फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ कपड़े पर भी ड्राफ्ट और उसकी कटिंग करना बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाए। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। इससे पहले मैंने पेटीकोट की ड्राफ्टिंग और थ्योरी आप सभी के साथ शेयर की है, जिसमें मुझे काफी कमेंट्स देखने को मिली कि आप इन्हें कंटिन्यूस कीजिए। तो अब आपके लिए कंटिन्यूस इसके भी वीडियोस आया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज पर मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है और लाइनिंग वाले पेज पर हमने इसका थ्योरिटिकल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग नोट डाउन भी कर ले, उसके बाद हम डायग्राम की तरफ चलेंगे। ओके, सो सबसे पहले दी हुई है फ्रॉक की पूरी लंबाई जो है, देखिए 24 मुझे रेडी लेंथ चाहिए तो हम उसमें प्लस 1 करेंगे 25। चोली की पूरी लंबाई मुझे 12 रेडी चाहिए तो हम उसमें प्लस 1 8 करेंगे, बराबर 13 हो जाएगा। शोल्डर जो है 10 है गर्ल का, तो 10 का हमें हाफ करना होता है जो कि 5 होगा, ठीक है। और उसमें हमें 0.5 प्लस करना है यानी कि 5.5 इंचेस, ठीक है। तीरे की वैसे मैंने शोल्डर बता दिया, जरूरत नहीं है, फिर भी जो लोग तीरे से समझते हैं उनके लिए मैं तीरा भी बता रही हूँ। तीरा है 2.5 यानी कि 2.5 इंचेस। अब आते ही गले की बारी यानी कि नेक आपको जो डिप्थ देनी है नेक की वो 2 से 2.5 इंच देनी है, 2 इंच 2.5 इंच आप आपके अकॉर्डिंग लगा सकती है, ठीक है। अब आगे की गले की लंबाई देखेंगे यानी कि जो फ्रंट का जो नेक है उसकी लेंथ आपको कितनी रखनी है, तो लेंथ आपको रखनी है 4 इंचेस। 5 से 6 साल तक की बच्ची के लिए आप यही रखिए। और पीछे के गले की जो लंबाई आप रखेंगे वो रखेंगे 2 इंचेस, ठीक है, क्योंकि आप जिप लगाते हैं या हुक आई जो भी आप लगा रहे हैं। ओके, एंड चेस्ट की बारी आती है, सीना जो है मेरे केस में वो है 20, तो मैं उसमें प्लस 4 करूंगी। देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा 2 से 2.5 इंच प्लस करते हैं, लेकिन जो बेबी की फ्रॉक्स होती है वो इन्हें लूजनेस चाहिए, एकदम से फिटिंग नहीं होती ब्लाउज या कुर्ती की तरह, इसलिए आपको जो मार्जिन रखना है वो 4 इंचेस रखना है। आप 3.5 इंच भी रख सकती है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 4 इंचेस मार्जिन रखिए 24। ओके, अब कमर की बारी आती है, तो कमर में आप 1 इंच इससे माइनस कर दीजिए, जैसे कि 24 है तो 23 कर दिया, अगर यहाँ 25 होता तो मैं यहाँ पे 24 कर देती। ओके, अब आती है आर्म होल की बारी, कई लोग इसे मुड्डा भी कहते हैं, तो मैंने दोनों चीजें लिखी हुई है, आर्म होल और मुड्डा, तो ऐसे में आपको रखना है। 5 साल तक की बच्ची के लिए आप 5.5 रखिए, 6 साल तक भी चल जाएगा इजीली ये काम, ठीक है। घेर की जो चौड़ाई रखनी है आपको 25 इंचेस रखनी है। ये जो है ये चुन्नटों वाली फ्राक है यानी कि प्लटेड है, ये अम्ब्रेला नहीं है, इसके बाद में अम्ब्रेला भी आपके सभी के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब आखिरी में जो नोट है वो पढ़ लेते हैं। यह सल वाली फ्रॉक है, इसे बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगेगा। जी हाँ, 5 साल की जो बच्ची है उसके लिए इसे बनाने में 1 मीटर ही कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मेजरमेंट कैसे करना है। चलिए अब हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं और समझते हैं। डायग्राम के बाद मैं आपको इसकी कपड़े पर भी ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गाइस आपको हेडिंग डाल देना है बेबी फ्रॉक करके, जैसे मिनी हेडिंग डाली हुई है, इसका मेजरमेंट देखते हैं हम। सबसे पहले हमें चोली है, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये चोली का डायग्राम है, तो चोली की जितनी भी लेंथ लेनी है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसमें 1 प्लस कर देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये चोली की मार्किंग हो गई हमारी। इसके बाद हमारा जो शोल्डर आया था वो था 5.5, तो इस तरीके से हम 5.5 पर एक निशान लगाएंगे, ये भाग जो रहेगा हमारा फोल्डेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे, सो नेक हम फ्रंट का जो मार्क करेंगे वो मैंने कहा था हम 4 इंचेस पर मार्क करेंगे और यहाँ का जो रहेगा 2 इंचेस लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और राउंड में शेप दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हमने जहाँ पे तीरा जो है इसे कहते हैं, ठीक है, ये जो है आपकी चोली की लंबाई है, हमने 12 हमें रेडी चाहिए तो हमने ली 13, ठीक है। यहां से यहाँ जो आपका है ये है गला, ठीक है, ये जो है आपका तीरा भी कह सकते हैं और यहां से यहाँ आप शोल्डर भी नाप सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब आती है हमारी आर्म होल की बारी, या आपके हैं मुड्डा, जो भी आप इसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये जो आपको लेना है ये आधा आधा इंच बढ़ाते जाइए, जैसे कि 6 साल तक तो आप 5.5 चलने दीजिए और उसके बाद 7 साल तक भी चला सकते हैं, सब कुछ नहीं, उसके बाद आपको थोड़ा इसे बढ़ाना होगा। तो यहां से यहां तक हम आर्म होल लेंगे,
ठीक है। तो आर्म होल में 5.5 की एडवाइस दूंगी आपको। फिर उसके बाद में इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रख के हमें चेस्ट लेना होता है। तो चेस्ट क्या है कि मेरे केस में जो 20 है तो हमने उसमें 4.8 किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है 24 का जो है आपको कैसा हिस्सा करना है, चौथा हिस्सा करना है, ठीक है। 24 का आप फोर्थ पार्ट करिए, फोर्थ पार्ट करने के बाद आपका जो निकल के आएगा वही आपका रहेगा। तो 24 का हमारा फोर्थ पार्ट क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। 24 डिवाइडेड 4, तो चेस्ट इस तरीके से हमारा आएगा 6, ओके। तो यहां से यहां हमें 2 फोल्ड नहीं है, हमारा है 4 फोल्ड, तो हमें कितना लेना है, 6 इंचेस लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेजरमेंट रहेगा। के बाद कमर में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा 1 इंच कम कर देंगे, जैसे कि मैंने मार्किंग की हुई है 1 इंच कम पर। अब आती है हमारी जो फ्रॉक है वो सल वाली फ्रॉक है, तो ये चोली काटने के बाद आपके पास जो कपड़ा बचेगा वो सीधा रहेगा, यानी कि ऐसा ही रहेगा, ये रहेगा कपड़े की लंबाई रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका घेर बनेगा और इस तरीके से आप चुन्नटे डालेंगे। देखिए जो निशान है ऐसी चुन्नटे बनेगी, तो वो चुन्नटे हमें इतनी देनी है कि इसके लेवल का हो जाए, ठीक है। तो ये प्लट्स वाली फ्रॉक के एक बार इसे और आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अगर आप आगे और पीछे की फ्रॉक का अलग अलग कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 12 लेना है, ठीक है, यहां से यहां सीना, ठीक है। और अगर आपने चार हिस्से में यानी कि 4 फोल्ड लिया है, जैसे कि मैं 4 फोल्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो आपको यहां से यहां सिर्फ 6 लेना है, क्योंकि आपको 24 को 4 से डिवाइड कर देना है। और अगर आप 2 फोल्ड लेते तो आपको 24 को 2 से डिवाइड करना देता, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 12 आ जाता, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, तो ठीक है। चलिए अब हम इसे फैब्रिक पर समझते हैं, इसकी कटिंग कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक ले लिया है और फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। मेरी साइड ये देखिए मेरी फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है, ठीक है। फोल्डेड साइड हमेशा नेक की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर जैसे कि मैंने कहा था 5.5, तो मैं 5.5 पे मार्क कर दूंगी, एक 5 पे और एक 5.5 पे करा मैंने, ठीक है, 5.5 पर। उसके बाद गले का निशान लगाएंगे, तो गले का निशान 2 से 2.5 इंच पर लगा सकते हैं। मैं इसमें देखिए 2 पर भी लगा सकते हैं, 2.5 पर भी, आपको बच्चे के अकॉर्डिंग देखना है। मैं 2.5 ले रही हूँ, उससे थोड़ा सा कम। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल आपको 6 से 7 तक 5.5 ही आप चलने दीजिए, बहुत होगा, 6 साल तक भी आपको यही चलाना है। तो मैंने भी 5.5 इंच लिया है और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला जो है मैं बैक का तो 2 इंच ही लेने वाली हूँ, तो मैं 2 पर एक मार्क कर दूँगी। बैक का जो पार्ट है वो 2 इंच पर ही मार्क करूँगी, और जो फ्रंट का नेक है वो मैं थोड़ा सा इससे लॉन्ग लूँगी। आप 4 इंचेस तक ले सकते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट की डिमांड इतनी नहीं है, उन्हें थोड़ा आगे भी छोटा ही नेक चाहिए, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेने वाली हूँ, 3 इंचेस या 3.5 लूँगी। तो मैं इसमें 3 इंच ही ले रही हूँ नेक, और 3 इंच पर इस तरीके से एक मार्क कर दूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। तो देखिए दोनों मार्किंग हो गई है। अब हम शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको 1 इंच का शेप लगा देना है, इस तरीके से कोने पर रख कर, और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ड्राफ्टिंग कर आपको कपड़े पर बताने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से कर देंगे, ओके। और यहाँ से यहाँ मैं इस तरीके से एक और मार्किंग कर दूँगी जो गोलाई देनी है हमारी, उसके लिए तो मैंने ये गोलाई दे दी है यहाँ पे, कर्व शेप हमारा। अब हम चेस्ट के अकॉर्डिंग मेज़र करेंगे। देखिए ये जो है ये 24 चेस्ट रेडी वाली बेबी के लिए है, तो 24 का हमें चौथा हिस्सा करना होता है, जो कि होता है 6, ठीक है। 23 उसका रेडी है, तो इसके हिसाब से 6 हुआ हमारा। और थोड़ा लूजनेस के लिए जैसे कि मैंने कहा था मैं ले रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। और ये कॉटन फ्रॉक है, तो कॉटन सिंपली इतना वो नहीं, और मैं पीछे इसमें फुल जिप रखने वाली हूँ। अगर आप फुल जिप रखती है तो आपको इतनी टेंशन नहीं है, आप फिटिंग भी ले सकती है, लेकिन अगर आप एक हुक और आई वाली रख रही है तो फिर आप लूजनेस 4 इंचेस रखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ कटिंग कर दूँगी कमर में, तो मैं सिलाई में ही ले लूँगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखने वाली हूँ। तो इस तरीके से गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, ड्राफ्टिंग प्लस कटिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।